सब मत्ती खोलेंगे, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 13 पद से हम पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलियाह, कुछ इर्मियाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। सब बोले आमेन। देखिए बाइबल बताती है, यीशु मसीह एक कैसरिया जगह में गया और फिलिप्पी के प्रदेश में आया और वहां पे यीशु कुछ इस तरीके का सवाल करता अपने चेलों से। वो कहता है कि चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को, उसका मतलब वो यीशु खुद के लिए कह रहा था, मनुष्य का पुत्र यानी मेरे लिए लोग क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, प्रभु आपको कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, जो मर गया था वो अब जिंदा हो गया है, कुछ इस तरीके से कहते हैं। कुछ कहते हैं कि आप एलिया हैं और कुछ कहते हैं कि आप एर्मिया हैं, कुछ कहते हैं भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। लेकिन बाइबिल बताता है 15 पद में कि उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु ने तो पूछा कि लोग, आज जहां मैं आता जाता हूं, लोग जो मेरे बारे में जानते हैं वो मुझे क्या कहते हैं, क्या जानते हैं मेरे बारे में, वो मुझे क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूं। तो चेले लोग जो उसके साथ थे उन्होंने कुछ वर्णन किया और बताया कि प्रभु आपको लोग भविष्यवक्ता कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, यिर्मयाह कहते हैं और एलिया कहते हैं, बहुत सारे, और कुछ कहते हैं कि ये भी किसी भविष्यवक्ताओं में से एक है। परंतु यीशु कहता है कि, बाइबल कहता है वहाँ पे जो लोग खड़े थे, जो यीशु के चेले थे, जो यीशु के साथ थे, उनसे यीशु ने एक बात पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हैं, कहते हो, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू कॉल मी। सबके तो बारे में मैंने पूछ लिया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और आप सब ने बता दिया, लोग क्या कहते हैं आपने बताया, लेकिन अब ये बताओ, जो यीशु के चेले थे, यीशु ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। बाइबल कहता है उसमें एक ने जवाब दिया, उसका नाम था शमौन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यू आर द क्राइस्ट एंड द सन ऑफ द लिविंग गॉड। ये पतरस ने कहा कि तू मसीह, क्योंकि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। खड़े थे सब, परंतु जवाब एक का आया और उसका नाम था पतरस, और पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसके बाद यीशु एक बात कहता है, 17 पद हम पढ़ेंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। हालेलुया। आप एक बात समझिए कि जब ही पतरस ने मसीह से कहा कि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, और पतरस ने वर्णन किया, इस बात का एक्सप्लेन किया और प्रभु से कहा कि प्रभु आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, और बाइबल कहता है यीशु ने तुरंत कहा कि पतरस, योना के पुत्र, तू धन्य है। इसका मतलब है जब ही एक व्यक्ति मसीह को पहचान जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आशीषों को पाता है, वो एक धन्य व्यक्ति होता है, वो एक आशीषित व्यक्ति गिना जाता है।
हालेलुया। एक अंगीकार, एक सही अंगीकार पतरस ने किया, और एक सही मसीह के पीछे चलते चलते पतरस ने अपने जीवन में समझ पाया कि मसीह जो जिसके पीछे मैं चल रहा हूं वो कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ही आप मसीह को समझ जाएंगे आप धन की कैटेगरी में आएंगे, आप एक आशीषित व्यक्ति हो जाते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि जिसके आज हम पीछे हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, जिस यीशु की आराधना करते हैं, वो कौन है। दुनिया क्या कहती है उसके अनुसार हम नहीं कह सकते कि मसीह वही है, परंतु आपको खुद समझना होगा कि मसीह कौन है। लोग, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, लोग अलग अलग तरीके से यीशु को लोग कहते हैं। कुछ तो बाबा कहते हैं, मैंने कई दिनों से चर्चा किया है, और कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही एक है, ये भी एक अवतार है, बहुत सारी चीजों को लोग कहते हैं। ये भी एक अच्छे गुरु थे, एक अच्छे शिक्षक थे, ये भी अच्छी बातों को सिखा के चले गए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, वो भी जब थे बहुत उन्होंने भलाई की, लोगों को छुटकारा किया, उसके बाद वे मर गए और वे चले गए, उनका कोई अब अस्तित्व नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके से बताते हैं। दुनिया के लोग क्या कहते हैं उससे आपके जीवन के ऊपर मसीह का प्रभाव नहीं होगा। जब तक कि आपको खुद समझना होगा, जब तक आप खुद नहीं समझेंगे कि मसीह कौन है जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो मसीह कौन है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे आप एक धन्य व्यक्ति होंगे। धन्य का मतलब होता है आशीषित, एक ब्लेस्ड, ब्लेसेड पर्सन होता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में समझना होगा, क्या हम आज केवल यीशु मसीह को एक छुटकारा करता, एक चंगा करने वाला परमेश्वर, चंगे करने वाला प्रभु जानकर यदि हम आज केवल यही समझ रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके आगे आप नहीं समझते कि यीशु उद्धार कर सकता है, नहीं समझते कि यीशु मौत को भी हरा दिया, नहीं समझते हैं कि आपके पापों के लिए यीशु मरा है, तो आप मसीह को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। हर एक व्यक्ति को जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है, उन हर एक व्यक्तियों को जानना होगा कि यीशु कौन है। हु इज जीसस, यू हैव टू नो। ये हर एक के पास अधिकार है। आप कैसे जान सकते हैं? आप यदि अधूरे ज्ञान में हैं, अधूरे हैं, आप केवल इतना जानते हैं यीशु मसीह चंगा करने वाला है और उसी हिसाब से आपका विश्वास होगा और आप अपने जीवन में चंगाई को पाएंगे, परंतु और चीजों को जो यीशु आपके जीवन के लिए करना चाहता है, उद्धार को करना चाहता है, उससे आप वंचित हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि मसीह कौन है, जैसे पतरस ने समझा, और समझने के कारण यीशु ने कहा कि तू एक आशीषित व्यक्ति है, एक धन्य व्यक्ति है।